नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतलान। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम मनोहर लाल ने आकांक्षी जिला रूपांतरण कार्यक्रम के तहत चयनित नूह के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव पाठपुरी में जल सुरक्षा सुनिश्चितीकरण बांध परियोजना का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों में छोटे छोटे झरनों के माध्यम से व्यर्थ बह रहे पानी को बांध बनाकर संरक्षित किया जा रहा। सीएम ने कहा, बरसात के मौसम के बाद इस वर्षा जल का उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए साल भर होगा। इसके साथ ही सामाजिक सहभागिता के साथ ऐसे बांध बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव पाटकोरी में जल संसाधन बांध जैसी परियोजना को पूरा करने में जन भागीदारी जरूरी है। यह साझा काम है और इसको सभी को फायदा इसका होगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के किसी एक विश्वविद्यालय में पर्यावरण से जुड़ा विभाग शुरू किया जाएगा ताकि उसमें हवा, पानी, जमीन और जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनों पर काम प्रभावी तरीके से किया जा सके। सीएम ने कहा कि इलाके में पढ़ाई का स्तर बढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शिक्षा में इस क्षेत्र में आगे आएगा तो निसंदेह इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। हरियाणा के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र गुड़गांव के आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी में सीएम मनोहर लाल ने 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारा कर्तव्य है और इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बीपीएल परिवारों को भी रोजगार मिल सके इसलिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। 75% निजी उद्योगों में आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में अलग अलग जगहों पर ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण होगा। इसमें गुड़गांव के बाद बावल और अलवर भी शामिल। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ पॉलिसी में बदलाव की भी जरूरत है जिस पर प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी और कर्मचारियों को बेहतर और अच्छा इलाज मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अनुरोध किया मंत्रालय की तरफ से ईएसआईसी अस्पतालों के निर्माण के लिए पाबंदियों को हटाया जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पाबंदियों के हटने से कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिलेगा और नए अस्पतालों के निर्माण करने में और आसानी होगी। दुष्यंत चौटाला ने फरुखनगर में सरकारी अस्पताल के समीप जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया। इसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, उसका निपटारा भी किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानेसर में 500 बेड के ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। जल्द ही 5 फ्लाईओवर्स का भी निर्माण कार्य होगा। डाडम हादसे के 42 दिन के बाद पहली गिरफ्तारी हुई। एसआईटी ने डाडम निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश करके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। डाडम हादसे में नए साल के दिन पहाड़ का हिस्सा खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बरनाला रोड स्थित आवास पर जन समस्याओं को सुना। इस दौरान बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को किसानों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, मांग पत्र सौंपा। बिजली मंत्री ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि क्षेत्र में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए मोटर पर कंपनी की लगाई गई शर्त को हटाया जाए। किसानों ने मांग की है कि कोरोना के चलते जो किसान बिल नहीं भर पाए हैं उन पर बिजली विभाग ने सरचार्ज और जुर्माना लगाया है, इनको माफ किया जाए, किश्तों में बकाया बिल भरने की छूट मिले। बल्लभगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस बैठक में नगर निगम ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पार्षदों को बधाई दी। मूलचंद शर्मा ने पार्षदों को बुके और शॉल भेंट करके 5 साल के कार्यकाल की विदाई पर उनका सम्मान किया। बैठक में मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार के 7 सालों में विकास कार्य पर चर्चा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भविष्य की शहरी निकाय चुनावों को लेकर के मंथन भी किया। भारतीय सेना युवाओं को आकर्षित करने के लिए 1971 युद्ध में शहीदों के सम्मान में भिवानी के बापोड़ा में सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने T-55 टैंक का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी को सम्मानित किया। T-55 टैंक ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी सेना को करारी मार देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस टैंक ने 2011 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाओं को दिया है। इस टैंक की स्थापना से युवाओं में जोश, उत्साह और भारतीय सेना के प्रति रुझान बढ़ेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संत गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में भिवानी में चलाए गए महासफाई अभियान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और नगर परिषद के ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहर और गांव को सुंदर, स्वच्छ और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग जरूरी। हरियाणा में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में महासफाई अभियान की शुरुआत की गई। टोहाना में इस अभियान की शुरुआत मंत्री देवेंद्र बबली ने की। सरकार की इस मुहिम में पूरे प्रदेश के मंत्री, विधायक और अधिकारी ग्रामीण और सफाई अभियान से जुड़ते हुए नजर आए। संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश में 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ हुआ है। गांव लाडला में बाडोंदी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि इस अभियान को आमजन के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। देवनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मालिकपुरा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से हम अपने घर परिवार में सफाई रखते हैं, उसी तरह से अपने आस पड़ोस में भी सफाई हमको रखनी चाहिए। रविदास जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर पतला विधायक नयनपाल रावत और डीसी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पतला के दूधोला की पंचायत ने देश की पहले स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 90 एकड़ जमीन फ्री में देने पर सरकार ने, ग्रामीणों ने उनके बच्चों को नौकरी और दाखिलों में रिजर्वेशन का वादा किया था। अब इस मांग को लेकर दूधोला गांव में एक पंचायत का आयोजन हुआ है। इसमें विधायक नयनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर इसे पूरा करने की मांग रखी गई। फरीदाबाद में किसानों के प्लॉट की मांग और उस पर लगे ब्याज को माफ करवाने के लिए सैकड़ों किसान विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे। नयनपाल रावत ने 5 गांवों के किसानों को आश्वासन दिया है कि मार्च तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री से करवाया जाए। उपायुक्त प्रदीप दहिया सभी के साथ दुर्व्यवहार के लिए सुर्खियों में रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की बातचीत के बाद समाधान निकालने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 29 के लोगों ने बिल्डर्स और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन मूलभूत सुविधाओं को लेकर किया गया। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ अध्यापक और कॉलोनी वासी अध्यापक का संघ के विधायक लीला राम को अपना ज्ञापन सौंपकर डीसी के तबादले की मांग उठाई। बल्लभगढ़ के बीचों बीच बने सबसे बड़े सिटी पार्क को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल एक व्यक्ति के कोर्ट से केस जीतने के बाद जिला प्रशासन ने सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन का कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया। गोला चीका का विकास चंडीगढ़ के तर्ज पर करवाने वाले जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के दावों की पोल। हल्के की सड़क सरेआम खोल रही, आज हल्के की हर सड़क की हालत दयनीय। जेजेपी के हल्का अध्यक्ष अवतार सिंह ने विधायक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक ने सड़कों की समस्या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक नहीं पहुंचाई। सोनीपत के ककरोई में 8 महीने से बस्ती और खेतों में जल भराव है। प्रशासन और सरपंच की अनदेखी के चलते गांव के लोग चौपाल या रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। गांव के लोग घर छोड़कर अपने ही गांव में किराए पर रहने को मजबूर हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं है। ग्रामीणों ने जलभराव को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया। करौंडा स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 मंजिला नया शैक्षणिक ब्लॉक बनेगा। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्लॉक में 18 क्लासरूम होंगे। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा विभाग को कमरों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। विभाग की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 45 लाख का अप्रूवल दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,877 नए मामले सामने आए हैं। 684 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 920 नए मामले सामने आए हैं। 13 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 1,388 लोग डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,173 नए केस हैं। 7 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,300 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुड़गांव में 24 घंटे में कोरोना के 367 नए केस हैं, जबकि 1 संक्रमित की मौत हुई है। एक दिन में 400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 2,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 89,000 संक्रमित हैं। 213 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुड़गांव में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को खत्म करने के लिए अब गुड़गांव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया गया। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें सर्वसम्मति से सभी को चुना गया है। अब दवा विक्रेता किसी भी समस्या का निपटारा जल्द करेंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल शो में बतौर जज की भूमिका निभाने वाले मनोज मुंतशिर ने फरीदाबाद में साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बियॉन्ड्स में मां, मातृभूमि और मोहब्बत पर जमकर समा बांधा। मनोज मुंतशिर ने सभी से अपील की है कि मां बाप को हम अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, लेकिन मां बाप के साथ समय जरूर बिताएं।
सोना के देवीलाल स्टेडियम में विराट दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में एक दर्जन पहलवानों ने अपने जोड़ीदारों से हाथ मिलाए और दांव पेच के सारे पटक लिए। दंगल में गैर प्रांतों से पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। अर्जुन अवार्ड विजेता महिला खिलाड़ी नेहा राठी ने कहा, महिलाओं को रेसलिंग में जरूर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में रेसलिंग में तमाम सुविधाएं आ चुकी हैं, इससे खेल जगत को काफी उम्मीदें हैं, खिलाड़ी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने बरनाला रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं और युवा खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। फरीदाबाद में गोदरेज बिल्डर के द्वारा प्लाट अलॉटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए प्लाट धारकों ने जमकर बवाल काटा है। कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम के आयोजकों को मौके पर ही पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा। धरने को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने समर्थन दिया है। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे, गांवों में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेंगे। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर मेडिकल स्टोर पर तलाशी ली, जहां पर अवैध गर्भपात करने की दवाइयां बरामद की गई। पलवल के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के लोगों ने सदर थाने में रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। जजर पुलिस ने बादली बाईपास के पास एक कैंटर से 3 क्विंटल गांजा बरामद करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बाजार में इसकी कीमत 30 लाख रुपये बताई गई है। इससे आरोपियों के द्वारा झज्जर सहित अन्य कई जिलों में सप्लाई किए जाने की योजना थी। रेवाड़ी में देर रात गौ तस्करों को गौ रक्षा दल की टीम से सामना हुआ। इसमें गौ रक्षा दल के सदस्यों ने 2 तस्करों को काबू करके पुलिस के हवाले किया, जबकि 3 तस्कर मौके से फरार हो गए। गौ तस्कर पीछा कर रही गौ रक्षा दल की टीम पर तस्करों ने पथराव भी किया है, कांच की बोतल भी फेंकी। सिरसा में कोर्ट कॉलोनी स्थित फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जहां पर नियम तोड़ने वाले करीब 12 लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान यातायात थाना पुलिस ने एक ऐसी बाइक को इंपाउंड किया जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय जाट लिखा था। इसके चालान काटे गए हैं, या तो गलत साइड से जा रहे थे या फिर ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। गन्नौर में स्टील स्क्रैप फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई है। इस दौरान 25 से ज्यादा मजदूर बेहोश हो गए, कई महिला श्रमिकों की हालत गंभीर। गुड़गांव के MG रोड पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। कार चालक ने चलती कार से कूद कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। करनाल पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुद के किडनैप होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस और अपने ही परिवारजनों को चकमा देने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरसा में नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी नार्कोटिक सेल और पुलिस ने जनता भवन रोड से हजारों की तस्करी पकड़ी। पुलिस ने 500 ग्राम अफीम सहित मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ शहर थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उलाचिका के चक्कू लदाना गांव में पुलिस ने एक युवक को 860 नशे की गोलियां बरामद की हैं। आरोपी के तार पंजाब से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए गांव रत्ताखेड़ा में 51 सदस्यीय कमेटी के गठन करके रात के समय गांव के वासियों ने ही ठीकरी पहरा शुरू किया। बाहरी व्यक्ति पर गांव में प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। पुलिस की टीम भी सारी रात पेट्रोलिंग के दौरान गश्त कर रही है, नाके लगाकर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। रोहतक में बढ़ते नशे को देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इसकी शुरुआत खराबड़ से हुई। अभियान में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें नशे से दूर रहने की बात कही। यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी निवासी युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का शव रणधीर त्यागी के फार्म हाउस के टॉयलेट से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच अधिकारी ने कहा है कि मृतक स्मैक पीने का आदी था, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। किसानों पर दर्ज केस किए जा रहे हैं वापस। पंचकुला में DCP ने रिपोर्ट बनाकर पंचकुला DC को भेजी। पंचकुला में किसानों पर दर्ज किए गए थे 5 मामले। इसी ने कहा पंचकुला में किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। पंचकुला कोर्ट में भी पंचकुला पुलिस की ओर से एफिडेविट पेश किए गए।
कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद देशभर में तनाव का माहौल है। इस बीच ओवैसी ने बयान जारी करके कहा कि हिजाब वाली बेटी देश की पीएम बने। कर्नाटक हिजाब विवाद के सोनम कपूर के हिजाब और पगड़ी की तुलना करने पर भड़के बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सोनम दो धर्मों को भिड़ाना चाहते हैं। रोहतक में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने हिजाब के मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बैठी कुछ ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अमित शाह ने पंजाब में चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब सटा हुआ है।